बिहार में अगर आपने अपने किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी ने भी विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार में नए फरमान के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामले में सम्मिलित होकर किसी आपराधिक घटना में शामिल होता है तो उसे इस काम के लिए पुलिस द्वारा आरोपी पत्र जारी किया जाता है तो उसके संबंध में चरित सत्यापन प्रतिवेदना में वरिष्ठ एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर प्रमाणों के लिए तैयार रहना होगा। डीजीपी एसके सिंगल की ओर से जारी किए गए इस फरमान में कहा गया कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन प्रतिवेदना लेना आवश्यक है। साथ ही पत्र में कहा गया यदि कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान आपराधिक घटना को अंजाम देता है और ऐसा करने पर अगर पुलिस द्वारा उसे चार्जशीट किया जाता है तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के चरित सत्यापन प्रतिवेदना में इसका बात का जिक्र होना चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस ताज़ा फरमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला है और कहा कि नीतीश कुमार अपने फैसलों के जरिए हिटलर को भी चुनौती दे रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।